गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अरुण को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से रिमझिम, प्रीति, अनन्या और वैदय सबके सब वो उस माउंटेनिंग हिल एरिया से नीचे आ जाते हैं। तो जो वैदय रहती है वो तो बाहर घूमने चली जाती है गार्डन में प्रीति के साथ, और चाहत और अनन्या भी चले जाते हैं। पर जो रिमझिम रहती है वो कंटिन्यूसली अरुण के पास बैठी रहती है, क्योंकि अरुण को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी रहती है और उसे फीवर आया था। मैथ्सी टीचर ने उसे फीवर की टैबलेट तो दे दी थी, बट वो अभी तक प्रॉपरली सही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रिमझिम को टेंशन थी और रिमझिम पूरी केयर करके उसी के पास बैठी थी। अब उसके आगे ये लोग जब बाहर घूमते हुए जाते हैं तो ये लोग देख लेते हैं कि मैथ्स की टीचर भी किसी लड़की के साथ काफ़ी क्लोजी हो रही रहती है, और वो लड़की जो रहती है वो सडनली से किस कर देती है और किस बहुत डीपली कर देती है। मैथ्स की टीचर भी रोकती नहीं है और उसकी किस को कॉपरेट करते हुए देख लेती। ये चीज़ है चार लोग ऑलरेडी देख चुके रहते हैं, प्रीति, अनन्या और वैदई और चाहत देख लेते हैं। तो जो प्रीति और अनन्या, प्रीति और वैद्य ही रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, अनन्या और चाहत रहते हैं। तो जब वो किस हो रहा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है और ये लोग देख रहे रहते हैं। चारों में से कोई भी वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता है, पर जैसे ही मैथ्स की टीचर थोड़ा सा उस लड़की से दूर होती है और वो उसे बोलते कि रुक जाओ, ज़रा जाने तो मुझे जाना है, जाने का टाइम हो गया, हम बाद में मिलते हैं, तो वो लड़की का फेस रिवेल होता है। तो वैद्य वहीं पर तुरंत कहती है कि अरे ये तो मैं इसको जानती हूँ, ये तो 12th स्टैंडर्ड की प्रेसिडेंट है, अपनी स्कूल प्रेसिडेंट है ये। तो प्रीति कहती है कौन है ये, तो कहती है अरे अपनी प्रेसिडेंट है, स्कूल में स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये है, मैंने देखा है इसे, और ये अपने जो पूरे स्कूल के जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, ऑल फंक्शंस होते हैं, शी इज़ द मेन थिंग, शी हैंडल एवरीथिंग, और मैम का इसके साथ है तो सही है। तो जैसे ही ये जो पीछे अनन्या और चाहत रहते हैं ये भी ये चीज़ें सुन लेते हैं, पर मैम के आने की आहट होती है तो सबके सब इधर उधर शैटर्ड हो जाते हैं। जो प्रीति रहती है वो वैद्य का हाथ पकड़ के एकदम कोने पर चली जाती है और चाहत अनन्या इधर चले जाते हैं। मैम आती हैं अरुण के पास और अरुण का फीवर को चेक करती है, बट उनको ऐसा लगता है कि फीवर फिर भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे वो सबको जाके चिल्ला के अनाउंसमेंट करती हैं कि हमें निकलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और हमें जल्दी पहुँचना है। करीब 7 तो वैसे ही बच चुके रहते हैं। फिर थोड़ी देर में सारे के सारे बच्चे लोगों को लेके जाया जाता है और सबके सब बैठ जाते हैं, सब बस में बैठ जाते हैं, और सब बस में बैठने के बाद होती है। तो प्रीति और वैद्य बस में बैठ जाते हैं, चाहत, अनन्या और अरुण और रिमझिम बैठते हैं। साथ ही साथ आस्था, विवेक, निशांत ये सब अलग बैठे रहते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रहता है कि बैक बेंचर्स पीछे नहीं बैठते हैं, मतलब बस की पीछे की सीट्स पे, इस बार टॉपर्स जाके पीछे बैठते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मस्ती करनी रहती है। और जो निशांत रहता है उसे तो आस्था के साथ हाथ पकड़ के क्लोज होके सोना, मतलब टच करना, वो सब करना था, इसलिए वो पीछे जाकर बैठता है चाहत के साथ। और विवेक ये सब तो चमचे रहते हैं निशांत के, तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के लिए सब पीछे बैठते हैं। थोड़ी देर में जो चाहत और अनन्या रहती हैं उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है, क्योंकि उन लोगों ने वो नज़ारा देखा रहता है जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हाँ 8th स्टैंडर्ड में ये लोग रहते हैं, थोड़े बच्चे ही रहते हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा हाई या कम उन्हें समझ में नहीं आता है। पर इतना था कि देखने के बाद कुछ अलग सा हो रहा था, कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही थी, किसी को अच्छा लग रहा था तो किसी को बुरा लग रहा था, किसी को अजीब लग रहा था तो किसी को ठीक लग रहा था, वही चल रहा था। तो अनन्या और चाहत के माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही रहती है। प्रीति के लिए न्यू नहीं था क्योंकि प्रीति पहले देख चुकी थी, और जो वैद्य है
वो तो देख देख के मुस्कुरा रही रहती है। तभी प्रीति कहती है, क्या हो गया, तुम बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रही हो? राधे कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसी। तो कहती, क्या ऐसी? मैं जब से देख रही हूँ, जब से वो वहाँ वाला इंसिडेंट देख कर आई हो, तब से तुम्हें बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं आ रही है। तो वैदिक टर्न, मतलब वैदिक थोड़ा सा टिल्ड होती है और अपना फेस प्रीति के सामने रखती है और उसे बोलती है, सुनो यार, अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छे अच्छा फीलिंग ही आएगी ना। अब मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लगा, मुझे आपका पता नहीं कि आपको कैसा लगा क्या है, बट लुक एट हर, यू नो वॉट, मैम तो यार औसम दिखती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो जब वो साड़ी पहनती हैं तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैम की चॉइस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब उन्होंने 12th स्टैंडर्ड की वो गर्ल को पटाया है, वो भी कोई कम थोड़ी ना है। तो प्रीति कहती है, हाँ जब से आप बोले जा रही हो, बट वो गर्ल है कौन, क्या है? तो कहती है, अरे तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हें नहीं पता? ओ सॉरी, मे भी तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, स्पोर्ट्स क्लब में होता है, तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो शी इज़ द हेड टू मॉनिटर दैट, तो वो भी मॉनिटर करती है हर चीज़, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, स्कूल का रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, कहाँ जाके सारे अरेंजमेंट्स होने हैं, ये सब प्रेसिडेंट का काम होता है, तो वही करती है, स्कूल प्रेसिडेंट। तो वो कहती है कि ओके, तो आप जानते हो उस लड़की को? तो कहती, नहीं ज़्यादा डीपली तो नहीं जानती, बट ऐसे ही मिले हैं हम लोग, तो बस इतना ही इंटरेक्ट हुआ है। क्यों, तुम्हें मिलना है क्या? तो कहती, नहीं। तो वैदिक जो होती है वो टर्न हो जाती है और विंडो की तरफ देखने लग जाती है। करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं। इस ड्यूरेशन में जो अरुण रहता है वो पूरे तरीके से रिमझिम के कंधे पे अपना सर रख के कम से कम आराम से सुकून से सो चुका रहता है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो एकदम से बस रुकती है, सांसें रुकती है, सॉरी बस रुकती है। तो जो एकदम से पैदा ही बोलती कि चले रिमझिम, तो वो कहती है, अरुण सो गया है। तो कहती है कि हाँ, उसने मेडिसिन्स भी खाई थी ना, शायद उसकी असर से सो चुका है, मैं हेल्प करती हूँ। तो जो रिमझिम है वो उठती है और अरुण को थोड़ा टैप करती है, बोलती कि उठ उठ, तो वो नहीं उठ रहा था क्योंकि शायद मेडिसिन का डोज थोड़ा ज़्यादा हो। तो वहीं पर जो प्रीति वाले सर रहते हैं वो कहते हैं, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो उसको लेकर? तो जब ही रिमझिम कहती है, इसके रूम पर, वरुण के साथ इसका रूम है, तो कहते हैं, उसको छोड़ दो, मैं उसको ले जा लूँगा, आप लोग अपने रूम पर जाओ। तो कहती है, ठीक है, और 8 बजे सब वापस आ जाना है क्योंकि डिनर है, ये बोलकर चले जाते हैं। तो वहाँ के जो पीटी टीचर रहते हैं वो उसको गोदी में उठाते हैं अरुण को, और वहाँ पर लेकर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है, दो गर्ल्स कितना पकड़ पकड़ के लेके जाएंगी, तो पीटी टीचर अच्छे खासे स्ट्रांग रहते हैं, तो वो लेकर चले जाते हैं। चले आते, थोड़ी देर हो जाती है, काफ़ी देर हो जाती है, सब अपने अपने रूम पर चले जाते हैं, तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो जो रिमझिम रहती है वो वैदी को देख रही रहती है, तो वैदी स्माइल पे स्माइल करे जा रही रहती है। तभी रिमझिम एकदम से पूछती है, वैदी आज कुछ हुआ है क्या? तो कहती है कि क्या हुआ है मतलब? तो कहती है कि कुछ तो हुआ है, तभी तो आज इतना ज़्यादा स्माइल पे स्माइल करे जा रही है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ तेरी स्माइल रुक नहीं रही है। तो हंसते हुए बोलती है, यार स्माइल की बात नहीं है, बट मैं एक नज़ारा देख कर आई हूँ जिसके बारे में मैं तुझे बताने ही वाली थी। तो वो कहती है, अच्छा कौन सा नज़ारा? तो कहती है, यार तुझे पता है अपनी जो मैथ्स की टीचर है ना, वो किस कर रही थी अपने 12th क्लास की प्रेसिडेंट को। तो कहती, वो प्रेसिडेंट ना जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो एकदम फेयर है, जिसका एटीट्यूड बहुत किलर है, जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी कि यार स्पोर्ट्स क्लब में जब वो आती है तो सब शांत हो जाते, वही वाली की बात कर रही है क्या तू? तो कहती है, हाँ। और पर एक और है ना, वो थोड़ी सी चश्मिश टाइप, वो वाली
तो कहते वो वाइस प्रेसिडेंट है, बट मैं तो मेन प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ ना वो। तो कहती अच्छा तो ये चल रहा है? तो कहती हाँ यार। और मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा यार। तो कहती अच्छा तो मुझे भी नहीं बुलाया यार, मतलब मैं ही रह गई। तो कहती तू अरुण के साथ थी ना, और अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं तुझे बुला हुआ जाओ, उतनी देर में तो नज़ारा चला जाता ना। तो कहती किसने देखा? कहती मैंने और प्रीति ने। तो प्रीति ने कैसे रिएक्ट किया? प्रीति ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता यार उसने कैसे रिएक्ट किया, वो तो कुछ नहीं रहती, बस मुझे हंसता हुआ देखते हुए बोल पूछ जा रही थी कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। प्रीति को ऑकवर्ड तो नहीं लगा? तो कहती है नहीं मुझे तो नहीं लगता ऑकवर्ड लगा होगा। तो कहती हाँ चलो ठीक है, लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद तुझे प्यार करती है, तो कोई ऑकवर्डनेस होनी भी नहीं चाहिए। तो प्रीति के बारे में जब रिमझिम ऐसे कहती है तो रिमझिम कहती है यार वही तो प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट कहाँ करती है कि वो मुझसे प्यार करती है। तो रिमझिम कहती है आज थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार, मुझे ऐसा लगता है कि वो नज़ारा देख के जब तू इतनी ज़्यादा खुश हुई है तो हो सकता है वो भी हुई हो, बट तुझे पता है गोलगप्पू है वो, इतने आसानी से कुछ बात बोलेगी नहीं, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर, शायद तेरे को दिल की बात को कह दे या कुछ तो ऐसा हिंट मिलेगा तुझे जिससे तुझे ये पता चलेगा कि हाँ मे बी कुछ है। हाँ हो सकता है, गुड आइडिया रिमझिम, तू हमेशा से बहुत अच्छा आइडिया देती है। तभी रिम अपने कंधे पर हाथ रख के बोलती नो आई एम कूल, आई नो एवरीथिंग, ओके चल वैसे भी नीचे चलते हैं डिनर करने जाना है। तो कहती हाँ अच्छा तू चल मैं आती हूँ, तू कहाँ जा रही है? वैद्य पूछती है। तो कहती है यार मैं अरुण को देखकर आती हूँ उसने खाया है कि नहीं। तो जो वैद्य रहती कहती चल मैं भी साथ चलती हूँ, तो वो कहती ठीक है चल साथ में। तो ये लोग बाहर निकलते और वहाँ से जाते हैं। तो जो अरुण का रहता है वो थर्ड फ्लोर पर रहता है और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं। गर्ल्स गर्ल्स का डिपार्टमेंट फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आधा आधा रहता है और बाकी वहाँ से बॉय का रहता है, तो वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो ये लोग जाते हैं, तो जाके सबसे पहले नॉक करते हैं अरुण के कैबिन पे, आई मीन्स उसके रूम पर। तो अरुण उठता नहीं है, फिर वरुण आकर खोलता है। तो वो पूछते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है अरुण की, तो कहता है यार मुझे नहीं पता, वो तो जब से उठा ही नहीं है और मैं उसको कब से ज़्यादा हिला रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि चल खाना खाने जाते हैं तो वो नहीं उठ रहा है। तो अभी क्या करना है, मैं भी तुम लोगों को फ़ोन करके पूछने ही वाला था क्योंकि खाना तो एक टाइम ही मिलेगा, उसके बाद तो मिलेगा नहीं। तो कहती है कि हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। तो जो वहाँ का वरुण रहता है वो चला जाता है। तभी ये वहाँ पर जाती है और पानी छींपती है, तो जो अरुण होता है वो एकदम से ऐसा कहता है क्या है। अरुण को उठाती है रिमझिम, तो अरुण कहता है यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं खाना है कुछ, तुम लोग जाकर खा लो। तो जो रिमझिम रहती है वो कहती है यार ये अभी उठेगा नहीं, फिर रात को उसको ज़्यादा भूख लगेगी और फिर भूख लगेगी तो फिर करेगा। तो कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, वो नहीं चल रहा है, उसको नींद आ रही है और मेरे ख्याल से मेडिसिन का कुछ ज़्यादा असर हो चुका है, इस वजह से वो नींद में है, हम उसे नहीं ले जा सकते, वैद्य कहती है। तभी रिमझिम कहती है कि चलो अपन चलते। तो रिमझिम और वैद्य वहाँ से निकल कर नीचे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो हाँ तो अब क्या करें, तो नीचे जाते हैं ये लोग खाना खाने की तरफ। तो खाने में बफर सिस्टम रहता है जहाँ पर सब लोग अपना खाना ले रहे रहते हैं। तो पहले तो रिमझिम और वैद्य खाना खा रहे रहते हैं, उसी देर में चाहत अनन्या आ जाती है और प्रीति भी आती है। तो कहती है कि अरुण की तबीयत कैसी है, वो नहीं दिख रहा है। तो कहती है उसकी तबीयत ठीक है बट उसको ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैथ्स की मैम ने उसे मेडिसिन दी थी ना, तो शायद बुखार की वजह से उसको नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो वो खाना खाने नहीं आएगा, प्रीति पूछती है। तो रिमझिम कहती है नहीं वो खाना तो नहीं आ रहा बट मैं देखती हूँ क्या करना है। तो चाहत बोलती है आप क्या देखोगे? तो कहती है मैं पैक करा दूंगी थोड़ा सा खाना उसके लिए, क्योंकि वो रात के 12-1 बजे तो उसको भूख डेफिनेटली लगेगी और ऐसा ही है उसका हमेशा से। तभी अनन्या कहती कि अनन्या कहती है रिमझिम आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हो अरुण को, मतलब कि उसे कब भूख लगेगी क्या है, तो
बहुत ज़्यादा डीपली आप जानते हो। जो अनन्या का बोलने का तरीका रहता है वो क्वेश्चन मार्क वाला रहता है कि कैसे आप इतने डीपली जानते हो। तो रिमझिम उसके क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है बचपन से दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। तो चाहत उसकी बातों को ध्यान में रख कर बोलती है कि बचपन से दोस्त तो यार वैदई भी है, बट वैदई को इतना कुछ नहीं पता जितना आपको डीपली पता है मीन्स अरुण के बारे में। तो वैदई उसकी तरफ देखती है चाहत की तरफ और कहती है हाँ मुझे नहीं पता, और मुझे तो नहीं पता कि उसे बुखार आएगा कि नहीं आएगा, बट हम क्लोज हैं, हम बचपन से साथ हैं हम तीनों, बट मुझे शायद इतना नहीं पता। वो उसे थोड़ा हर्ट फील होता है कि हाँ मतलब रिमझिम को इतना पता है मुझे नहीं पता, तो वो थोड़ा उस वे में कहती है। तभी प्रीति उसका हाथ पकड़ के बोलती है इट्स ओके, कभी कभार होता है कि हम किसी को बिन बताए बहुत डीपली जान जाते हैं और कभी कभार नहीं जान पाते। तो रिमझिम अरुण को उसके बिना बताए डीपली जान गई और वैदई नहीं जानती है, वैदई को सब कुछ बताना पड़ेगा तब जाके डीपली जानेगी, शायद इनका नेचर ऐसा ही है। ये कह के प्रीति माहौल को संभाल लेती है। जो प्रीति रहती है वो वैदई का हाथ पकड़ी रहती है और रिमझिम अच्छे से देख लेती है। रिमझिम वैदई के कान में आकर बोलती है देख नज़ारा भी देखा है और मूड में तो लग रही है बंदी, टाइम स्पेंड कर। तो कहती है फिर तू क्या करेगी, तो कहती है यार डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तू टेंशन ना ले, मैं किसी और से बात कर लूँगी, ठीक है, तो तू कर, मैं प्रीति और मैं चाहत और अन्य को भी यहाँ से लेके जा रही हूँ, हैव अ सम क्वालिटी टाइम। तो कहती अरे पर रुक जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो कहती सब लगेगा जा रही हूँ मैं लेकर। तो जो रिमझिम रहती है वो कहती है अरे अनन्या थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ कहीं बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है चलते हैं चाहत, तो कहती है हाँ चलो। तो ये लोग वहाँ चले जाते हैं। जो प्रीति और वैदई रहते हैं वो खाना खा रहे रहते हैं, तो ये लोग वहाँ पर एक छोटी सी बेंच रहती है वहाँ बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। तो प्रीति को इतने प्यार से खाना खाते हुए जब उसके जो होठों पर राइस लगता है तो वैदई इशारों से बताती है कि राइस लगा है हटा लो। तो प्रीति को समझ में नहीं आ रहा रहता है, प्रीति इधर उधर हाथ करती है अपने फेस के पूरी जगह हाथ फैला देती है, लेकिन जहाँ चावल लगा रहता है वो वहाँ नहीं हटाती है। तो थोड़ी देर तक तो वैदई ऐसे देखती रहती है, फिर वैदई खुद जाती है और उसके जो लिप से वो चावल को हटाती है, पर जब वो लिप से उसके चावल को हटा के उसके लिप अपने अंगूठे से टच होते हैं उसके, तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग प्रीति के अंदर आ रही रहती है और उसे बहुत अलग सा फील हो रहा रहता है। और यहाँ पे वैदई जब उसके लिप को टच करती है अपने अंगूठे से तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट सॉफ्ट लिप को टच करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। जो रिमझिम है वो एकदम से उसका वहाँ से एक दोस्त होती है काजल करके, वो उसे बुलाती है अरे रिमझिम तुम कहाँ हो यार, हमसे तो बात ही नहीं करती हो। तभी रिमझिम कहती है अरे काजल ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो यहीं हूँ। तो रिमझिम बोलती है कि अनन्या चार एक्सक्यूज़ प्लीज़ मैं जाती हूँ, तो कहती है हाँ। तो जो प्रीति और जो अनन्या और चाहत रहते हैं ये भी थोड़े साथ में बैठे हुए रहते हैं और एकदम से उनकी नज़र प्रीति और वैदई की तरफ जाती है, जो एकदम से उसके इतने क्लोज होके चावल का हटा रही रहती है। वो चावल का हटाने का तो 2 सेकंड का काम रहता है, बट उसके लिप्स को टच करने में वैदई को काफ़ी मज़ा आ रहा था और प्रीति भी मना नहीं कर रही थी कि उसके लिप्स को कोई टच कर रहा है, तो वो देख रहे रहते हैं। तो चाहत और अनन्या भी एक दूसरे के करीब ही रहते हैं बट एक दूसरे को सिर्फ देख रहे रहते हैं। तो चाहत बोलती है ये सब क्या है, तो वो कहती है अनन्या क्या है मतलब, तो कहती है मुझे कुछ बात करनी है आपसे, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। तो अनन्या कहती है हाँ बोलो, तो कहती वो आज मैथ्स की टीचर भी किसी लड़की को इतने करीब होके किस कर रही थी, ये सब क्या है अनन्या, आई मीन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अनन्या कहती है मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी नया है, बट शायद कुछ तो होगा, आई मीन मैथ्स की टीचर है किस कर रही है,
तो कुछ ठीक ही होगा हमारी मैम को लगता है तो कहती है, पर मैंने तो हमेशा से लड़का लड़की को देखा है क्लोज, ये लड़की लड़की मुझे समझ में नहीं आता, चाहत बोलती है अनन्या को। अनन्या कहती है, पता नहीं शायद ये भी कुछ होता हो, अभी हम छोटे हैं ना, शायद हमें इसके बारे में नहीं पता, जब हम बड़े होंगे तो हमें कुछ पता चले, ये भी कुछ हो सकता है, नहीं पता मुझे, अनन्या कहती है। तो चाहत कहती है, ओके हो सकता है, बट कुछ अजीब सा फील होता है मुझे ये देखने के बाद। तो अनन्या पूछती है, कैसा फील होता है आपको? तो वो कहती है कि मतलब अच्छा लगता है देखना, मतलब मुझे खुशी होती है देखकर, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो अनन्या कहती है कि ओके। तो तभी चाहत बोलती है, आपको? तो कहती है कि नहीं, मुझे भी कुछ बुरा या ऑकवर्ड नहीं लगता है, नॉर्मल लगा मुझे, तो सच बोलूँ तो। तो कहती है, तो क्या दो लड़कियाँ एक दूसरे से प्यार कर सकती हैं, या ऐसे कुछ हो सकता है? चाहत बोलती है अनन्या को। तो अनन्या कहती है कि शायद हो सकता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहती है, हाँ हो सकता है, मैं भी आपसे पूछ रही हूँ ये सारे सवाल, जबकि आपको भी तो मेरे जैसी हो, आपको भी नहीं पता होगा, हमें शायद कोई ऐसे इंसान से पूछना चाहिए जो हमारी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने पे मदद करे। तो चाहत कहती है, जब ये सारी बात अनन्या को कहती है तो अनन्या कहती है, हाँ पर हम किससे पूछ सकते हैं, और हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं यार, और पूछना भी मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है, कोई अगर हमारी बातों को गलत मतलब निकाल ले तो। तो कहती है, हाँ ये बात भी सही है, हम ऐसे किसी से बात भी तो नहीं कर सकते, तो किससे पूछेंगे? तो कहती है, मैथ्स टीचर से ही पूछेंगे कि क्या चल रहा है। तो कहती है, ओ चाहत बोलती है, शांत हो जाओ, आपको पता नहीं है कि आप क्लोज नहीं हो, प्रीति क्लोज है चाहत के, सॉरी मैम के, प्रीति क्लोज है, आप नहीं। थोड़ी देर में इन लोगों का खाना वाना सब खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं, तो सब लोग अपने बेडरूम की तरफ जा रहे रहते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो चुका रहता है, सोने का टाइम रहता है। तो चाहत और अनन्या भी जाते हैं, तभी वहाँ से आस्था आती है, और आस्था चाहत को कहती है कि चले रूम पर। तो चाहत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि दोनों रूममेट्स भी रहते हैं, और अभी मतलब अभी तो जैसा हुआ रहता है इंसिडेंट कि अब रात का टाइम है तो जाना ही है। तो जो चाहत है वो अनन्या को बाय बाय करके बोलती है कि बाय मैं जाती हूँ। तो चाहत बार बार बोलती है कि प्रीति, चाहत को बार बार आस्था बोलती है कि क्यों हो गई तुम्हारी दोस्ती अनन्या के साथ, पहले तो तुम्हें अनन्या से ज़्यादा बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अब तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही हो उसके, और बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ और तुम्हारी एक लौती फ्रेंड मैं हूँ, तो तुम ना फालतू का ज़्यादा किसी से क्लोज मत हो, और तुम्हें पता है ना आज इन लोगों ने क्या किया है निशांत के साथ। तभी चाहत एकदम टर्न होती है और कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन आस्था, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर एक बात क्लियर करती हूँ, हाँ आप मेरी दोस्त हो, एक लौती दोस्त हो, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, पर अनन्या भी अब मेरी दोस्त है और प्रीति भी है, मैंने कभी इन लोगों के साथ दूर नहीं रही हूँ, हाँ मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बट अनन्या काफ़ी अच्छी है, और मैं उसके साथ दोस्ती करूँ या ना करूँ यार, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और रही बात निशांत की, तो निशांत खुद गलत है, हर चीज़ में वही गलती करता है, प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है, आप नहीं समझोगे क्योंकि आप अभी प्यार में हो और आपको अभी सिर्फ निशांत ही सही दिखता है। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, निशांत ने कोई गलती नहीं करी यार, वाटरफॉल पे जाने का मेरा मूड था, मेरे को लेकर गया, सब उसको ब्लेम करे जा रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश के लिए वो लेकर गया था ना मुझे। तो चाहत कहती है, ओके फाइन, आपकी ख्वाहिश के लिए लेकर गया था, बट ऐसे क्लोज होना, ऐसे क्लोसी क्लोसी टची टची होना, ये तो गलत है ना यार, कल जाके कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैम वगैरह देखे,
हम अभी छोटे हैं, नहीं चाहते कि कल जाके पेरेंट्स को बुला दिया जाए। तो चाहत को भी वो चीज़ समझ में आती है और चाहत कहती है, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने पेरेंट्स का तो सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि यार मैम क्या कहेंगी, डांट देंगी और ये चीज़ हो जाएगी। तो कहती है, एग्जैक्टली यार, तभी तो हम लोग तुझे रोकने आए थे, बट तुझे तो दिखता ही नहीं है ना। तो कहती है, सॉरी यार। तभी जो अनन्या है वो प्रीति के पास जाती है और प्रीति को कहती है कि चले क्या। तभी रिमझिम कहती है, अरे अनन्या सुनो तो यार, प्रीति आ जाएगी आराम से, तब तब मेरे साथ खेल लो। तो कहती है, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ, थोड़ा हमारी बीच में भी कंपनी हो जाएगी, और अनन्या अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। तो अनन्या कहती है कि हाँ रिमझिम बोलो, क्या हेल्प चाहिए। तो कहती है, यार वो खाना पैक कराना है और सामने वाला खाना पैक नहीं कर रहा है, और तुम्हें पता है ना अरुण को भूख लग जाएगी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना उस वेटर को पटाने के लिए। या तो तुम एक काम करो, वेटर को बात करने पे लगो, मैं खाना जल्दी पैक करूँगी। तो कहती है कि आप पैक कैसे करोगी। तो कहती, मैं एक थाली में खाना सारा रख लेती हूँ और लेकर जाती हूँ। तो कहती कि ठीक है यार, ठीक है मैं कर देती हूँ। तो जो अनन्या और निमझिम रहते हैं वो चले जाते हैं। अनन्या क्या होती है, वो वेटर से बात करने में लग जाती है, भैया ये क्या है, भैया वो क्या है, भैया बताओ ना ज़रा ये कैसे बनता है, भैया कैसे लगता है। तो उतनी देर में वो जो भैया रहते हैं वो बार बार बोल रहे रहते, अरे मैडम मेरे को जाने का टाइम हो गया है, मुझे क्लोज करने दो, और आप क्या लेकर बैठे हो, अरे आपको पसंद है तो खा लो ना। तो कहती, पक्का खा लूँ, आप दे रहे हो। तो कहती कि हाँ। तो ऐसे करके जो अनन्या है वो फटाफट लेती जाती है सामान, और ये लोग एक प्लेट के अंदर रखते जाते। थोड़ी देर में जहाँ पर अनन्या एक पका रही रहती, वहाँ पर रिमझिम भी जाकर दूसरे को पकाती है, पकाती मतलब ऐसे टाइम पास कर रही रहती, भैया ये वो करते हुए, और ये लोग प्लेट में भर देते। तो अनन्या बोलते कि बस काफ़ी है या और कुछ भी लेना है। तो कहती, नहीं नहीं काफ़ी है, इससे ज़्यादा और क्या खाएगा वो भुक्कड़, बस काफ़ी है। तो ये लोग वहाँ से जा रहे रहते। अब प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जो वहाँ के रूल्स रहते हैं उस होटल के, कि खाना वाना सब आउटसाइड होगा, या तो रूम सर्विस ऊपर जा सकता है खाना लेके, या फिर नहीं, तो आप लेकर नहीं जा सकते हो। तब इन लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वहाँ का स्टाफ घूमता रहता है, सर्वेंट्स घूमते रहते, तो कैसे लेकर जाएंगे। तो जो जो इस जो अनन्या रहती है वो काफ़ी सीधी रहती है इस मामले में, उसे नहीं पता रहता है।